मेरे साथ है यास्मी। इस साल एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने हर किसी का जोश बढ़ा दिया था। फिल्म का नाम था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विक्की कौशल की एक्टिंग हो या फिल्म का डायरेक्शन या स्टोरी, हर कुछ सब कमाल का था। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने धांसू कमाई की थी और लोगों का दिल जीत लिया था। वहीं इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए और बेस्ट डायरेक्टर के लिए, और इस चीज से हर कोई काफी खुश है। बिल्कुल तन्वी, मैं बता दूं कि जहां एक तरफ मतलब इससे काफी लोग खुश हैं, काफी लोग इस पे मतलब अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वहीं इससे लेके मतलब बवाल भी हो रहा है कि आखिर उरी को कैसे लोग मतलब, क्योंकि देखा जाता है कि पिछले साल का ये अवार्ड है ना, 2018 का ये नेशनल अवार्ड मिला जा रहा है, तो उरी का ये तो 2020 में आई है, तो इसे कैसे मिल गया। तो इस पे मतलब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ का कहना है इस पर कि आखिर इतनी सारी रीजनल फिल्म्स आई हैं तो उरी का नाम ही क्यों आया इस पे। फिर कुछ का कहना है इसमें कि उरी कैसे एलिजिबल है, 2019 में ये रिलीज हुई है तो एलिजिबल कैसे हुई। मतलब यास्मीन, लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब ये फिल्म आई ही नहीं पिछले साल, इस साल रिलीज हुई है, तो ये फिल्म कैसे नॉमिनेट ही कैसे हो सकती है। तो सारा यही थी। बिल्कुल तन्वी, मैं बता दूं कि ये मुमकिन है, वो कैसे कि किसी भी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड में जगह बनाने के लिए CBFC से परमिशन लेनी होती है साल के पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के। तो इसमें उरी ने परमिशन ले ली थी और उसे 31 दिसंबर को ये सर्टिफिकेट मिल चुका था, तो इसके बाद उरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो मतलब इसमें इन शॉर्ट ये बात है कि यास्मीन, अगर वो नॉमिनेट हुई है ये फिल्म, तो कोई ऐसे फालतू में नहीं हुई है। जैसे मैंने कुछ ट्वीट्स देखे थे, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से रिलेटेड ये सब है, सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड फिल्म थी इसलिए इसको इस बार नॉमिनेट किया गया। लेकिन मैं ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरी चीज़ होती है, इसको लेकर एक पूरा प्रोसेस होता है, ज्यूरी बैठती है, बात करती है, उसके बाद ही किसी फिल्म को नॉमिनेट किया जाता है। अब जैसे CBFC ने सर्टिफिकेट दे दिया था 31 दिसंबर को उरी को, इसीलिए ये फिल्म एलिजिबल हुई और इसीलिए वो नॉमिनेट भी हुई और 3 अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते भी। वहीं मैं ऑडियंस को बता दूं कि विक्की कौशल जब से जीते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड, वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और साथ में उन्होंने ये लिखा है, वर्ड्स माइट फॉल शॉर्ट टू डिस्क्राइब द हैप्पीनेस आई एम फीलिंग राइट नाउ। For my work to be recognized by the Honorable National Film Award Jury is truly a moving moment for me and my family. I wish to thank each and every member of the jury committee for finding me worthy of the prestigious Best Actor Award for my work in Uri, The Surgical Strike. I am also very happy to be sharing the award with someone who I admire both as a person and as an actor. Ayushman, congratulations brother. तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने सबको थैंक यू बोला है, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला, उरी की टीम को थैंक यू बोला और आयुष्मान को भी कहा उन्होंने कि आयुष्मान ने उनके साथ शेयर किया अवार्ड, तो उस पर क्या बोलेंगे। बिल्कुल तन्वी, बता दूं कि जहां एक तरफ उरी का इतना नाम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान की भी 2 फिल्में आई थी पिछले साल, बधाई हो और दूसरी अंधाधुन, ये दोनों ही फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया है। वेल, अब आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि उरी को जो 3 अवार्ड्स मिले हैं वो डिजर्व करती थी फिल्म या नहीं। और बाकी की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।